निश्चित है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक। राम भी रूठे हैं और भोले बाबा भी रूठे हैं, मीसा भारती कह रही है। जरा ये सीट आपको समझा दे, पाटलिपुत्र की सीट है रामकृपाल यादव। आरजेडी में लंबे वक्त तक लालू यादव के आसपास रहे, इर्द गिर्द रहे, लेकिन 2014 में आरजेडी छोड़कर बीजेपी में आ गए। यहाँ पर मीसा भारती को ललकारा और मोदी लहर में वो जीत भी गए, पुरस्कार में मंत्री भी बना दिया गया। एक बार फिर से आमना सामना है मीसा भारती से, अपने पुराने बॉस की बेटी से। सुनिए क्या वो कह। मुद्दा राष्ट्र, नेशन फर्स्ट, विकास, यही तो मुद्दा है। आप पाटलिपुत्र से हैं, मीसा भारती भी हैं, दोनों में क्या फर्क हो रहा है? फर्क आसमान और जमीन का फर्क है भाई, आसमान और जमीन का फर्क है। इंडिया आसमान और विपक्ष जमीन, इतना फर्क। कितना सीट है? कितने? 40-40। दांत खोदने के लिए भी किसी को नहीं मिलने वाला है। जो हालात है, जो जनता का मैंडेट मिला है, निश्चित तौर पर 40-40 सीट आएगा एनडीए को, कोई रोक नहीं सकता। रविशंकर प्रसाद पटना साहिब से, उनको लेकर क्या? रविशंकर जी जो बहुत ही सजग प्रहरी के रूप में पहले भी रहे, अभी भी हैं, और खामोश रहने वाला को खामोश कर दिया जनता। खामोश रहने वालों को खामोश कर देगी जनता। दरअसल ये सीधा उनका प्रहार शत्रुघ्न सिन्हा पर है, रामकृपाल यादव ये मोर्चा संभालते हुए रविशंकर प्रसाद के लिए, क्योंकि रविशंकर प्रसाद ये बार बार सीधा प्रहार नहीं किया शत्रुघ्न सिन्हा का नाम लेके, लेकिन बार बार कहते रहे कि जिन्होंने पटना को खामोश रखा, अब उनको पटना की जनता खामोश रखेगी। उनका कम से कम केंद्र इस पूरे बयान का यही था कि एक भी सवाल देश की संसद में 5 साल तक पटना साहिब की तरफ से शत्रुघ्न सिन्हा ने पूछा ही नहीं था, और यही उनके पोल का एजेंडा भी।